तो शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन शिकार करना वो कभी नहीं भूलता। कहने को तो 10 एपिसोड की सीजन 3 हो चुकी है खत्म, बट सीजन 3 एक्चुअली में ना देखने के बराबर है। ओवरऑल स्टोरी लाइन की बात करें तो वो स्टोरी लाइन ऑलमोस्ट अभी भी वहीं खड़ी है, सिर्फ स्टोरी लाइन में थोड़ी सी हलचल हुई है। ओरिजिनली में तो कालीन भैया उस गद्दी पर बैठा करते थे, बट अभी काफी सारे लोग उस गद्दी के चक्कर में है। सीजन 3 खत्म होने के बाद हालत वही है, कालीन भैया ने अपनी मिर्जापुर की गद्दी वापिस से हासिल कर ली है। 4 दिन की चांदनी जैसे चमकने वाले गुड्डू भैया को अपनी सही जगह दिखा दी गई है, एंड शरद शुक्ला जी जिसको भी ठिकाने लगा दिया गया है, जिसमे से कोई अभी मर गया है एंड कोई अभी जिंदा है। एंड अब देखना यह है कि अगली सीजन में कौन वापस आता है मिर्जापुर की गद्दी लेने और कैसे। तो सीरीज के नेगेटिव्स की लिस्ट काफी लंबी है एंड सीरीज के पॉजिटिव्स की लिस्ट काफी छोटी, तो पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगी। एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग में अली फजल एंड वन एंड ओनली कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी। कालीन भैया का स्क्रीन टाइम काफी कम था, बट जितना भी स्क्रीन टाइम उनको मिला उसमें उन्होंने काफी बढ़िया परफॉर्म किया। एंड एक्चुअली में जितने भी टाइम के लिए वो स्क्रीन पे होते थे तब हमें एक्चुअली में फील होता था कि वाई ही इज किंग ऑफ मिर्जापुर। एंड देन अली फजल यानी गुड्डू भैया, उनका भी स्क्रीन प्रेजेंस काफी अच्छा था, सीरीज को काफी अच्छे से वो पकड़ के रखते थे एंड सिर्फ उनके स्क्रीन टाइम में हमें लगता था कि हम मिर्जापुर देख रहे हैं। इन शॉर्ट सिर्फ इन दोनों कैरेक्टर का ही स्क्रीन प्रेजेंस काफी अच्छा था। सीजन 1 के मिर्जापुर का डर एक्चुअली में फील होता था, वो दोनों जब स्क्रीन पे होते थे तब लगता था कि कुछ ना कुछ कांड तो होगा ही, एंड सच में कुछ ना कुछ तो होता ही था। सिर्फ यही पे ही हमको सीरीज अच्छी लगी, बाकी इसके अलावा सीरीज का कोई भी पर्सपेक्टिव ले लो, सीरीज कोई भी उम्मीद पर खरा नहीं उतरी। वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, मिर्जापुर के थर्ड सीजन के लिए जो हाइप थी उस पूरी हाइप पे लिटरली पानी फिर गया। एक्चुअली में मिर्जापुर की थर्ड सीजन का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तब लग रहा था कि यार मजा आएगा इस सीरीज में, बट एक्चुअली में सीरीज देखने के बाद पता चला कि यार कुछ नहीं था। ये लग रहा था यह स्टोरी बस वहीं पे आसपास ही घूम रही है, ज्यादा कुछ आगे बढ़ी नहीं रही है। एक्चुअली में मिर्जापुर का जो रेपुटेशन था सीजन 1 से लेके सीजन 2 तक, वो वाला यहाँ पे हमें फील ही नहीं हुआ। सीरीज देखते वक्त ना ही कुछ एक्साइटमेंट आ रहा था, ना ही फेस पे कुछ एक्सप्रेशन आ रहे थे। कहने को तो 10 एपिसोड की पूरी सीजन थी, बट सीरीज के सिर्फ आखिरी के 10 मिनट एंड बाकी के एपिसोड के कुल मिला के सिर्फ 25 से 30 मिनट ही काफी अच्छे रहे होंगे, बाकी तो सब ठीक ठाक था। मेरे ख्याल से ये सीरीज अब ओवरहाइप होने लगी है, अब तो इस सीरीज को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। यार मैंने तो मिर्जापुर की थर्ड सीजन के लिए प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन भी लेके रखा था। पैसा खाया मेरा साले, तूने पैसा खाया मेरा, बट सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। अभी तो इन्होंने सीजन 3 की एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिया है, यानी सीजन 4 भी पक्का लाने वाले हैं। सच बताऊं मैं तो सीजन 4 के लिए उतना एक्साइटेड नहीं हूँ। आई विल रेट 2.4 स्टार आउट ऑफ द 5 स्टार टू द मिर्जापुर सीजन 3। खैर आपको कैसी लगी सीरीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। रुको यार, जाने से पहले आपको एक शायरी सुना के जाता हूँ। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। वाह। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। तबड़क तबड़क, बिन सिर पैर की शायरी सुन रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर गाइस, एंड मेन थिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।